Oceans are absolutely terrifying. हम जब भी आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल तो हमेशा आता है, किस अनंत ब्रह्मांड में अरबों खरबों स्टार्स हैं और उससे भी 10 गुना ज्यादा प्लैनेट्स हैं। हाउ द फक इज दिस पॉसिबल कि इतने बड़े यूनिवर्स में और इवन मल्टीवर्स में केवल एक हमारी दुनिया ही एक ऐसी है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। डेफिनेटली एलियंस एग्जिस्ट करते हैं 1000%, बट शायद हम गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर तुम गूगल अर्थ पर जाकर देखोगे तो यह है आम जिंदगी। इस वर्ल्ड मैप को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वी आर वेरी फेमिलियर टू दिस मैप। लेकिन अगर तुम इसी मैप को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो यह है मेंटोस जिंदगी। ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ सर्फेस एरिया कवर्ड विद ओशंस। बाकी की 25% लैंड एरिया में भी मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज रहती है, जिसमें से तुमने 10% स्पीशीज भी अपनी आंखों से अभी तक नहीं देखी होंगी। जस्ट इमेजिन इस 75% ओशनिक एरिया में क्या कुछ नहीं रहता होगा। इन अजीब गरीब क्रिएचर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, बट इन दिस वीडियो हम ओशंस के अंदर और भी ज्यादा डीप डाइव करने वाले हैं। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग अमेजिंग ओशनिक फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो तुमने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैं हफ्ते में एक ही बार आता हूं, अगर मिस हो गया तो अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। ओशंस और स्पेस, ये दोनों हम इंसानों के लिए इनहैबिटेबल है, मतलब हम बिना किसी इक्विपमेंट के यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हें इन दोनों जगह में से किसी एक जगह जाना पड़े तो स्पेस को चूज करना, बिकॉज वहां तुम 60 सेकंड सर्वाइव कर सकते हो। वहीं डीप ओशंस में 1 सेकंड के अंदर ही तुम्हारी बॉडी इम्प्लोड कर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें एलियंस देखने हैं देन चूज ओशंस। ओवर 95% ओशनिक एरिया हमारे लिए अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, और सिर्फ 5% एरिया में ही हमें ऐसे ऐसे सी क्रिएचर्स मिले हैं जो लिटरली इस दुनिया के फील ही नहीं होते। इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। कोलोसल स्क्विड, इसकी लंबाई करीब 45 फीट तक हो सकती है और वजन करीब 700 से 800 किलो तक जा सकता है, और ये क्रिएचर अपने खुद के कजन से जो कि शैलो वाटर में रहते हैं उनसे 10 गुना बड़ा होता है। एंड दिस जैपनीज स्पाइडर क्रैब, जिसकी एक टांग ही करीब 2.5 मीटर तक लंबी हो सकती है, यानी 8 फुट की टांग। जाइंट ऑरफिश, जिसकी लंबाई करीब 11 मीटर तक होती है। ट्रांसपेरेंट कैटफिश, जो डीप सी में पूरी तरह से इनविजिबल होती है। गॉब्लिन शार्क, जिसके एक्सटेंडेबल जॉस इसे अपने एरिया का सबसे डेडलीएस्ट प्रेडेटर बना देते हैं। और भी न जाने कितनी ऐसी स्पीशीज है जो एलियंस से कम नहीं लगती, लेकिन अगर मैं उन सबके बारे में तुम्हें बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे तक लंबी हो जाएगी। ऑल्दो ये वो स्पीशीज है जिनके बारे में हम जानते हैं, तुम्हें याद है ना 95% ओशनिक एरिया अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो जरा सोचो वहां क्या कुछ नहीं हो सकता। So yes, aliens do exist and they live with us. अगर तुम Google Earth पर जाकर oceans को देखोगे तो पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि हमारे पास oceans का एक अच्छा खासा detailed map है, जिसमें underwater mountains भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो line तुम देख रहे हो ये underwater mountains हैं, but सच्चाई कुछ और है। हमें oceans के बारे में इतना कम पता है कि उससे ज्यादा तो हमें Mars के surface के बारे में पता है। Yes, और अगर हम मैप की बात करें तो ओशन से ज्यादा डिटेल्ड मैप तो हमारे पास मार्स के सरफेस का है। कैन यू बिलीव इट, हमारे पास मार्स के सरफेस का जो रेजोल्यूशन है वह है 5 मीटर पर पिक्सल, वहीं अर्थ की लैंड मैप का रेजोल्यूशन है 30 सेंटीमीटर पर पिक्सल। लेकिन अगर हम ओशन की बात करें तो अभी तक हमारे पास ओशन का जो डिटेल्ड मैप है उसका रेजोल्यूशन है 1.5 किलोमीटर पर पिक्सल, विच इज 300 टाइम लेस डिटेल्ड फ्रॉम मार्स मैप। बट ऐसा क्यों है? हम ओशन को हर तरह से यूज करते हैं, वॉर से लेके फूड रिक्वायरमेंट तक, ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर भी हमारे पास ओशंस का 100% व्यू नहीं है, उसका रीजन है लाइट। मार्स के सरफेस की फोटो ली जा सकती है, बट ओशंस में 1000 मीटर नीचे जाने के बाद लाइट वहां पर पहुंच ही नहीं पाती, वहां कंप्लीट डार्कनेस होती है। 1000 मीटर नीचे जाने के बाद यू विल सी एब्सोल्युटली नथिंग। इसलिए ओशंस को मैप करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, एंड दैट इज मल्टी बीम सोनार सिस्टम। बट ये भी अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हो पाई है जिससे हम ओशंस को 100% डिटेल्ड मैप कर सके। बट द गुड न्यूज इज वी आर डेवलपिंग दैट टेक्नोलॉजी राइट नाउ, और शायद जल्दी फ्यूचर में हमें लैंड सरफेस की तरह ओशंस का भी एक डिटेल्ड मैप देखने को मिले। और जल्दी से मेरा मतलब है एटलीस्ट 10 से 20 साल। ओशंस आर रियली रियली डीप, इतना डीप कि तुम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पूरी दुनिया की लैंड के छोटे छोटे टुकड़े करके ओशंस के अंदर डालोगे, सारी की सारी लैंड 7 कॉन्टिनेंट से लेके सभी आइलैंड्स तक, उन सबको ओशंस के अंदर फिट कर दोगे तो भी ये पूरी दुनिया 3.5 किलोमीटर डीप ओशन से कवर हो जाएगी। अगर तुम ओशन की गहराई नापने के लिए सीधा चलोगे तो 10 मीटर नीचे जाने पर ही तुम्हें इंटेंस एटमोस्फेरिक प्रेशर महसूस होने लगेगा,
ओशनिक प्रेशर ऑफ कोर्स। 200 मीटर नीचे जाकर तुम डीपेस्ट ह्यूमन डाइव का रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगे, जो कि बिना किसी इक्विपमेंट के की गई थी विद सिंगल ब्रेथ। 828 मीटर नीचे जाकर तुम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की डेप्थ को हासिल कर लोगे, दैट इज बुर्ज खलीफा। यहां तुम्हारी बॉडी हड्डियों को चूरा बना देने वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी। 1000 मीटर नीचे जाकर तुम 4 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में पहुंच जाओगे। यहां तुम्हारी बॉडी सरफेस के मुकाबले 101 गुना ज्यादा प्रेशर महसूस करेगी, जिससे तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी और तुम्हारा सर थाली की तरह पिचक जाएगा। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। यही नहीं बल्कि इस पॉइंट तक आते आते यू विल सी नो लाइट, कंप्लीट डार्कनेस। अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने लाओ, बिल्कुल ये एक्सपीरियंस होगा तुम्हें। 1200 मीटर नीचे जाकर तुम डीपेस्ट आर्मी सबमरीन की रेंज तक पहुंच जाओगे। 3800 मीटर नीचे जाकर तुम्हें टाइटैनिक का आधा हिस्सा पड़ा हुआ मिलेगा। ये वही पॉइंट है जहां पर ओशन गेट सबमर्सिबल इम्प्लोड हुई थी, वो भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के टाइम में। ओशन का डीपेस्ट रिकॉर्डेड पॉइंट है करीब 11000 मीटर नीचे, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। यहां अगर तुम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके डुबा दोगे तो भी 1 से 2 किलोमीटर की गहराई बच जाएगी। यहां तुम पर 1101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यह प्रेशर इतना है जितना तुम 50 एयरबस A320 के नीचे दबने पर फील करोगे। इसलिए अगर तुम्हें ओशन और स्पेस में से किसी एक जगह जाना पड़े तो स्पेस में जाना, क्योंकि वहां तुम ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे। अगर तुम्हें अकेले रहना पसंद है या तुम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां पर दूर दूर तक तुम्हें कोई परेशान करने वाला ना हो, तो तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट भी ओशन ही पूरा करके देगा। साउथ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक जगह है जिसे दुनिया की सबसे लोनलीस्ट प्लेस कहते हैं। मतलब यहाँ से मिलो दूर तक तुम्हें कोई इंसान ही दिखाई नहीं देगा, इंसान तो दूर तुम्हें यहाँ पर कोई जमीन ही दिखाई नहीं देगी। इस जगह का नाम है पॉइंट नीमो और इस जगह से सबसे करीबी जमीन भी लगभग 2690 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सबसे नजदीक इंसान जो तुम्हें मिलेगा वो जमीन पर होगा ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मिलेगा, जो कि अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जरा सोच कर देखो ये जगह कितनी ज्यादा स्केरी है। और ऊपर से यहाँ पर साइंटिस्ट को बहुत ही अजीबोगरीब ओशनिक क्रिएचर्स मिलते रहते हैं, जिन्हें तुम पहली बार देखोगे तो एलियन समझ बैठोगे। बींग सो आइसोलेटेड, ये परफेक्ट जगह है तुम्हारे लिए अगर तुम सिर्फ अपनी तन्हाई के साथ रहना चाहते हो। आई नो दैट वॉज अ लेम जोक, बट सीरियसली दिस इज द स्केरियस्ट प्लेस यू कैन एवर गो। नाउ इन दिस वीडियो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि जैसे जैसे तुम समुद्र की गहराइयों तक जाओगे, वहां रहने वाले क्रिएचर्स का साइज नॉर्मल से 10 से 100 गुना बड़ा होता है। जो एनिमल्स शैलो वाटर में 5 से 7 फुट के होते हैं, वही एनिमल्स के कजन डीप ओशन में 40 से 50 फुट के हो जाते हैं। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, इनके इतने बड़े साइज के पीछे रीजन क्या है? अब इसका आंसर तुम्हें शॉक कर सकता है, बिकॉज इसका आंसर है लैक ऑफ फूड। यस, खाने की कमी की वजह से इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखो ओशंस में जमीन के मुकाबले फूड प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। नो सनलाइट मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस मीन्स नो फाइटोप्लैंकटन। इसलिए डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो है मरीन स्नो, और मरीन स्नो का मतलब होता है डेड एनिमल्स, डिकेड फाइटोप्लैंकटन और शैलो वाटर में रहने वाली फिश शिट। जब ये तीनों चीजें ऊपर से ड्रैग होकर नीचे डीप सी में पहुंचती है तो वहां रहने वाले छोटे छोटे क्रिएचर्स इन्हें खाते हैं, और उसके बाद इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को बड़े बड़े क्रिएचर्स खाते हैं, और इसी लैक ऑफ फूड की वजह से डीप सी क्रिएचर्स का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है। बड़े जानवरों का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने फूड की एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू छोटे जानवर। फॉर एग्जाम्पल, एक चूहे को सर्वाइव करने के लिए हर दिन अपनी बॉडी वेट का करीब 20-40% खाना खाना पड़ता है। वहीं एक हाथी को सर्वाइव करने के लिए हर दिन अपनी बॉडी वेट का सिर्फ 5-6% ही खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि बड़े जानवर अपनी फूड एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू छोटे जानवर। और डीप सी में फूड की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए वहाँ के क्रिएचर्स ने सर्वाइव करने के लिए एवोल्यूशन के चलते अपने साइज को इंक्रीज कर दिया। इसी बड़े साइज की वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो अपने फूड की एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं और डीप सी में सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ 5 पॉइंट्स कवर किए हैं, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत से कमाल की वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।